हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, सारी लड़कियाँ, फेस्टिवल है, शादी है, सारी लड़कियाँ तैयार होने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, आपको तो पता ही है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेकअप का सारा सामान अवेलेबल नहीं होता है, वो नया नया मेकअप करना सीख रही हैं, बट वो सोच रही है बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। सो उनके लिए ही आज मेरा वीडियो है। उनके लिए एक ऐसा चीपेस्ट प्राइस में ब्रश शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि चीपेस्ट है तो अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है। तो मैं उसी का रिव्यू और अनपैकेजिंग करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि मैं कौन सा ब्रश की बात कर रही हूँ और किस तरीके से वो वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, सब कुछ वीडियो के बीच बीच में शेयर करती रहूँगी, आपको सब कुछ बताऊँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और पसंद आ जाए तो मेक श्योर से लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, जो बिगनर हैं, जो मेकअप करना अभी अभी सीख रहे हैं और उनको ब्रश की ज़रूरत है, तो वो ये ब्रश सेट ज़रूर ले सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके के पैकेजिंग में ये आता है और देन ये इस तरीके से एक टिन का डब्बा है जो कि आप इसको रख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैकेजिंग है इसको कैरी करने का थोड़ा सा। और इसमें 12 ब्रश का सेट है, थोड़ा बहुत बड़े बड़े तो नहीं हैं बट बहुत छोटे भी नहीं हैं, इस तरीके से 12 ब्रश का सेट है। इसमें आपको ट्रायंगल ब्रश भी मिल जाएंगे और देख सकते हैं इस तरीके से छोटा सा ब्रश है। मैं एक एक करके दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं इसको एक एक इस तरीके से है ये। इससे आप शेप दे सकते हो, आईब्रो के नीचे फिल कर सकते हो, जब भी आप आईब्रो को आईब्रोज पेंसिल से या ब्रश से करते हो, देन इसको शार्प बनाने के लिए इसको ऐसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये ब्रश जहाँ पे भी आपको शार्पनेस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे क्रीज बनाने हो गए, तो इस तरीके का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। और ये इस तरीके का ब्रश है, इसे आप लिपस्टिक लगाने में यूज़ कर सकते हो। और ये इस तरीके का है, आप देख सकते हो इस तरीके का ब्रश है, तो इसे आप ब्लशर या फिर डस्टिंग कर सकते हो अपने फेस की, ज़्यादा एक्सेस लग गया है तो उसकी डस्टिंग कर सकते हो या ब्लशर यूज़ कर सकते हो इस तरीके के। ये फ्लैट ब्रश है, आप देख सकते हो ये एकदम बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, तो इस तरीके से आप ब्लशर यूज़ कर सकते हो इससे। और ये तीसरा हो गया और ये हमारा फ्लैट ब्रश हो गया, इस तरीके से है ये, आप देख सकते हैं ये। तो इस तरीके का भी ब्रश आया है और ये एकदम फ्लैट ब्रश है, देख सकते हैं ये। तो इसे भी आप डस्टिंग या फिर वो कर सकते हैं। और ये हमारा आईब्रो फिल करने के लिए है, जब भी हम इसे हम कंघी कर सकते हैं अपने आईब्रोज की इस तरीके से, जब भी हम आईब्रोज शेप ला रहे हैं तो कंघी करके एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं, अगर आपके छोटे बड़े हो गए हैं तो उसे कट कर सकते हैं। और ये इस तरीके ये इस साइड का जो है, इसको आप अपने आईब्रो को जब भी आईब्रो पेंसिल से फिल करते हैं तो एक्सेस लग जाता है, तो इस एक्सेस को निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे ना तो आपका एकदम नेचुरल लुक आता है आईब्रोज का। तो ये ब्रश का इतना ही फ़ायदा है। और ये स्पूली है, इसको आप दो जगह यूज़ कर सकते हो, जब भी आपके आईब्रो में एक्सेस लग जाता है या फिर आपके हुड पे डेड स्किन हो गई हैं, आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो आप पहले सबसे पहले लिप बाम यूज़ कीजिए
और देन इस पूरी की हेल्प से आप इसको रब कीजिए, देन आप उसको किसी कॉटन पैड से या फिर किसी रुमाल की सहायता से निकाल दीजिए, तो आपके डेड स्किन जो हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। स्पूली का मदद बस इतना सा ही है, और इसको आप आईब्रोज फिल करने में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं, इसको आई शेडो में यूज़ करते हैं हम लोग, और ये भी है ट्रायंगुलर ब्रश है, इससे भी हम अपने आईब्रोज की शेपिंग दे सकते हैं, किस तरीके से आईब्रो पाउडर फिल करने में इसे हम यूज़ कर सकते हैं, आईब्रोज की शेपिंग देने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और ये है, इसको भी हम क्रीज लाइन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये वाला ब्रश, तो ये वाला भी है। और इसे भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक कहीं पे लगानी हो तो लिपस्टिक इसे लगा सकते हैं। लास्ट देन, ये लास्ट हमारा एक ब्रश बचा है, इसे भी हम कहीं पे शार्प देना हो, जैसे फिर यहाँ पे हो गए तो इस तरीके से ये शार्प देना है, तो इस तरीके का ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग हो गई या फिर ये हो गया, तो इस तरीके का ब्रश जो है, जो मैंने बताया था, इससे कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश है तो इस तरीके से आएगा कॉन्टोर, तो इससे आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो 12 ब्रश का सेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मुझे मिला था, 108 ऐसे कुछ प्राइस में मिला था ये मुझे। इसकी अनबॉक्सिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो इस तरीके से आप ये ब्रश अगर मंगाना चाहते हैं, अभी फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, सारे लड़कों को मेकअप करना पसंद भी है, और शादी वाला सीज़न भी आ रहा है, तो इस ब्रश को ज़रूर बाय कीजिए। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आपको कि आप इसे ज़रूर बाय कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं इसके ब्रिशल्स जो हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये देखो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं करते हैं स्किन पे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये ब्रश सेट ज़रूर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक की दीजिएगा, और इसी तरीके के वीडियोस अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हो, मेकअप से रिलेटेड सारी वगैरह सबकी अनबॉक्सिंग भी करती हूँ, और DIY मेकअप ट्यूटोरियल और सारे ट्यूटोरियल वगैरह वगैरह सब कुछ लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर उसे लाइक कर दीजिएगा। यार आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ अपना अप्रिसिएशन बनाए रखिए, और मुझे एक जस्ट लाइक की ज़रूरत होती है, तो आप इससे यार आपके पैसे भी नहीं जाते हैं, और मेरे को पैसे भी नहीं मिलते उसके, बट अप्रिसिएशन मिलता है कि हम इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें, और आपकी हेल्प होती रहे, जो हमारे पास जानकारी है वो आपके साथ शेयर करते रहें। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।